एंड यू वेलकम। आज बात करते हैं कमर दर्द की, बैक पेन की। सबसे कॉमन जो कारण है बैक पेन का वो है स्लैप डिस्क, जिसके अंदर हमारी रीढ़ की हड्डी में से एक लिक्विड जैसा मटेरियल जिसे हम डिस्क बोलते हैं वो अपनी जगह से हिल जाती है। आइए देखते हैं ये डिस्क है क्या, होती क्यों है, ऐसा प्रॉब्लम क्यों अराइज होता है और आप इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। ये रीढ़ की हड्डी है, ये नीचे का भाग है, ये ऊपर का भाग है, ये पेल्विस हो गया, ऊपर हेड नेक है और ये स्पाइन है पूरा। ये इसके बीच में जितने आप ये रबर रबर से देख रहे हैं ये सारे डिस्क है, और जो व्हाइट व्हाइट आपको पोर्शन दिख रहा है इसको हम वर्टिब्रा बोलते हैं, चनके भी बोलते हैं। ये जो मटेरियल है ये कुछ जेली टाइप रहता है, डिस्क का जो मटेरियल है जेली है। आप थोड़ा सा आगे झुके तो पीछे की तरफ सरक जाएगा, थोड़ा सा आप पीछे की तरफ झुके तो ये आगे की तरफ सरक जाएगा। ये डिस्क हमारी बॉडी में एक लुब्रिकेटिंग मैकेनिज्म की तरह काम करता है, यही आपको अलाउ करता है कि आप आगे भी झुक जाएं, राइट में भी बेंड हो जाएं, लेफ्ट में भी बेंड हो जाएं, आपकी बॉडी रोटेट भी हो जाए तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो प्रोवाइड करता है वो डिस्क ही है हमारा। अब बहुत बारी क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ स्टिफनेस पैदा हो जाती है या हम आगे झुकने का काम ज्यादा करते हैं, बहुत देर तक बैठे रहते हैं, तो डेस्क धीरे धीरे पीछे की तरफ खिसकने लगता है, जिसकी वजह से कई बार ये नर्व्स, ये जो येलो येलो हैं ये नर्व्स हैं, इनको भी प्रेस कर देता है और नीचे टांग में दर्द, कूल्हे में दर्द जाना, टांग में दर्द जाना शुरू हो जाता है। लोगों को गर्म ठंडा लगना भी महसूस हो सकता है, पिंज एंड नीडल सेंसेशन। अगर आपको भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो आपको भी कुछ प्रिकॉशंस लेने जरूरी हैं, और अगर नहीं भी हो रहा है तो भी प्रिकॉशंस लीजिए, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है, आजकल हमारा लाइफस्टाइल आगे झुकाव हमारी बॉडी में बहुत रहता है, तो अगर आप अपने आप को कुछ सीधा रखें, और आप सीधा से भी अच्छा है कि अगर आप कुछ बैकवर्ड बेंडिंग करते रहें बॉडी में, तो ये डिस्क निकलने का चांस जो है कम हो जाता है। अब ये जो वर्टिब्रा है, बीच में डिस्क है, इसको बहुत बड़ा कर देते हैं, एनलार्ज करता हूं इसको, दो वर्टिब्रे लिए इस बारी, और ये रेड रेड सा जो मटेरियल है जो आपको उसमें जेली टाइप दिख रहा था वो ये डिस्क है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, साथ में नर्व्स एग्जिट कर रही हैं दोनों साइड्स की। अब देखिए होता क्या है, जब आप बैठे रहते हैं ये डिस्क के ऊपर कंप्रेशन क्रिएट करता है और डिस्क पीछे की तरफ निकलने लगती है। अगर बाय चांस उस टाइम पे आपका वर्टिब्रा रोटेट हो गया, फॉर एग्जाम्पल आप आगे भी झुके और बेंड भी हो गए, तब ये डिस्क और भी ज्यादा बल्ज हो जाती है। जैसे ही आप वापस हुए ऑटोमेटिकली ये डिस्क रिसीड कर जाती है। ऊपर से कंप्रेस होने पर भी ये डिस्क पीछे निकलती है। अगर आप खड़े हो जाते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, डीकंप्रेस हो जाती है और ऑटोमेटिकली रिसीड इन कर जाती है। ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारा, ये सबसे बड़ा कल्प्रेट है इसके अंदर। लॉन्ग आवर्स के लिए बैठे रहना, लैपटॉप पे काम करना, टैबलॉइड मोबाइल यूज करना, अधिकतर इससे डिस्क निकलने का खतरा बढ़ जाता है। तो देखिए उसमें करना क्या है, उसके दो सिंपल टिप्स हैं। लेट से अगर आप कोई टैब मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम अधिकतर उसमें इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अपनी गर्दन सब झुका के फिर काम कर रहे होते हैं, तो उसमें आपने क्या करना है कि इसको 45 डिग्रीज पे यूज कर लेना है। एक्चुअली बेस्ट तो ये है कि आप इसको 90 डिग्रीज पे पकड़ें, लेकिन ये पकड़ना जो है शोल्डर्स में स्ट्रेन डालता है, इस वजह से ये प्रैक्टिकल नहीं है। तो बेस्ट ये है कि आप इसको 45 डिग्रीज पे यूज करें। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं, पीसी यूज कर रहे हैं, तो आपने हर एक घंटे के बाद सिर्फ खड़े हो जाना है और पीछे की तरफ झुक जाना है, कुछ इस तरीके से। हमेशा हर घंटे बाद ऊपर वाले को जैसे याद करते हुए, उसकी तरफ देखते हुए कि हे भगवान मेरे को अपने से कनेक्टेड रखना, ये सोचकर पीछे की तरफ झुक जाना है। जो कंप्रेशन आपकी स्पाइन में क्रिएट हुआ था वो सारा का सारा डीकंप्रेस हो जाता है। ध्यान रखिए, और उम्मीद है कि आप कमर दर्द से बचे रहेंगे। थैंक यू।